हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स माई सेल्फ विजय सर आई कंप्लीटेड माय अंडर ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एंड आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एंड एमएससी फिजिक्स एंड बेटा जो मैंने स्पेसिफिकेशन किया है वो प्लाज्मा फिजिक्स में किया है सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बेटा किसकी फिजिक्स की वॉट इज फिजिक्स देन बेटा, बेटा? जो के के कुछ laws बनाए गए हैं, हैं, हैं हैं. उनके बारे में अपन अपन जिस सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं, वो से अपन क्या कहते कहते फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना है, ठीक है देन क्रिकेट खेलने के लिए आपको क्या होना चाहिए उनके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए आप लेट सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल्स के आपको लो के बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हैं देन गेम खेल रहे हैं तो उस गेम के रूल जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप उस गेम को अच्छे से प्ले नहीं कर पाओगे ठीक है इसी तरीके से नेचर्स के लो के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए तभी आप फिजिक्स पढ़ पाओगे बेटा अपने आसपास जितने भी इवेंट हो रहे हैं ठीक है अपने आसपास जितने भी इवेंट हो रहे हैं वो सब किससे रिलेटेड है फिजिक्स से रिलेटेड है आप चल रहे हो बाइक चला रहे हो फैन को आपने ऑफ कर दिया उसके बाद भी रोटेट रोटेट हो रहा है वो ठीक है अर्थ आपकी रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड एवरीथिंग अराउंड अस इज कनेक्टिंग टू फिजिक्स ठीक है बेटा अपन बात करते हैं कि अपना प्रोस्पेक्टस किस तरीके से रहेगा किस तरीके से अपन स्टडी करने वाले हैं ठीक है स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अपनी फॉलो करेंगे बिल्कुल जीरो से करने वाले, and तक इसके अलावा बेटा क्या करेंगे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स उससे भी अपन बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हर चैप्टर के लगाने वाले हैं ठीक है डीपीपी ऑफ ईच लेक्चर आपको हर एक लेक्चर की बेटा डीपीपी प्रोवाइड कराई जाएगी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम उस के रिगार्डिंग आपको क्या करेंगे डीपीपी प्रोवाइड कराई एंड उसके सोल्यूशन आपको, में लाने. आपको कोई नहीं आते दे, हर चैप्टर फिनिश होने के बाद में बेटा आपको क्या कराया जाएगा जो भी लास्ट ईयर नीट एंड आईआईटी से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ठीक है गाइडेंस फॉर योर फ्यूचर जर्नी आप इलेवेंथ एंड के बाद आपका सी एम लेने के बाद क्या क्या स्कोप है आप कौन कौन से फील्ड में एंटर कर सकते हो कहाँ कहाँ क्या क्या स्कोप है उसके बारे में भी आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं ठीक है बेटा एंड वीकली टेस्ट आपको हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीकली टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा रिविजन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप नाइन्थ क्लास में एंड क्लास में प्रमोट होकर आ चुके हैं ठीक है क्लास क्लास में हो 10th में प्रमोट प्रमोट हो हो गए गए बट बेटा आप जो जो क्लास है आपने स्टडी करी है अभी तक भाई काफी मतलब बच्चे जो हैं काफी ज्यादा खुश हो रहे होंगे सर हाँ मजा आ गया हमें कि हम बिना स्टडी करे प्रमोट हो चुके हैं ठीक है अब बेटा जिन्होंने स्टडी करी है वो काफी ज्यादा निराश हुए होंगे कि सर हमने तो मेहनत करी हमने टेस्ट सीरीज दिए हमने असाइनमेंट सीरियसली लिए ठीक है तो हम अपने आप को दुनिया के सामने किस तरीके से रखेंगे हम कैसे बताएंगे सर हमने हार्ड वर्क करा था तो बेटा आपने क्या करे हैं उस टाइम पर आपके स्किल्स डेवलप करें और जो स्किल्स डेवलप करे हैं वो अब आपके काम आने वाले हैं ठीक है आपने जो जो भी टॉपिक्स हैं जो भी फिजिक्स में अब टॉपिक आने वाले हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म में आप पढ़कर आ चुके हो अब उन्हीं शॉर्ट फॉर्म का आप क्या कर रहे हो डिटेल वर्जन पढ़ने वाले हो जैसे कि आपने क्लास नाइन्थ में क्या पढ़ा बेटा मोशन पढ़ा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े ग्रेविटेशन पढ़ा वर्क एंड एनर्जी पढ़ा पावर पढ़ा देन ये सारे जो टॉपिक है बेटा ये सारे टॉपिक आपने नाइन्थ क्लास में स्टडी कर लिया अच्छे से अगर आपने अच्छे से स्टडी करें देन इलेवेंथ क्लास में आपको पढ़ने में उसे थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है ठीक है ऐसे आपके क्लास टेंथ के जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट ये सारे आपके ट्वेल्थ क्लास में डिटेल में तो स्टडी करेंगे ठीक है ऐसे थ्योरी अपन इस तरीके से पढ़ेंगे बेटा थ्योरी आपकी क्लास में ही कवर हो जाएगी ठीक है थ्योरी को आपको घर पर बिल्कुल लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन इस तरीके से थ्योरी पढ़ने वाले हैं कि क्लास के क्लास में आपको अच्छे से वो रिवाइज हो जाए, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत किस में पड़ेगी अब फिजिक्स में केवल न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा लगाओ काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल वो रहने वाला है तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं किससे अपन क्लास नाइन्थ के टॉपिक से जो कि आपने पढ़ा है पहले कौन सा लॉ ऑफ मोशन तो अपन बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की फर्स्ट लॉ जिसको अपन क्या कहते है? हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बेटा इनर्शिया का मतलब जानते हैं आप, करने वाले ठीक तो है एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंस टू स्टे इन मोशन एंड एन ऑब्जेक्ट एटरेस्ट टू स्टे बाय एक्सटर्नल फोर्स देखो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कब तक रेस्ट में रहना चाहेगा यदि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा कब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है ठीक है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा आप अगर बाहर खेल रहे हैं तो आप बाहर खेलते ही रहना चाहोगे कब तक जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता जब तक आपके पापा आपको बुलाते नहीं है पापा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और फिर आपको क्या करना पड़ेगा कमरे के अंदर आना पड़ेगा ठीक है चलो देखो बेटा अब अपन इसको क्या करते हैं एक जी से समझते हैं ठीक है एक पिक्चर से समझिए इसे अब ये ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में है ठीक है इसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कैसा है बेटा मोशन में अब ये जैसे कार गोल से टकराती है तो ये व्यक्ति क्या रहेगा मोशन में ही रहना चाहेगा देखिए ये कैसा है मोशन में ही रहना चाहता है बिकॉज इस पर कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स फोर्स इफेक्ट नहीं करा। कैसे बेटा इस पर अगर सीट बेल्ट लगाई होती है तो सीट बेल्ट इसको रोक देती ठीक है लेकिन इसने सीट बेल्ट नहीं लगाई देन ये मोशन में था अब ये फ्लिप होता हुआ मोशन में ही रहता जाता है ठीक है और आगे जाकर गिर जाता है देखिए सेकेंड एग्जाम्पल आप समझिए जैसे ये मेट मेट के ऊपर बहुत सारे ठीक है ना मेट के ऊपर बहुत सारे लीफ। अब इस पर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ही गिरता है तो ये लीफ क्या है? लीफ क्या हैं करते हैं बेटा ये रहते हैं बिल्कुल रेस्ट में जब तक कि इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई देखिए ये अभी रेस्ट में अब जैसे इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ इन पर क्या हो रहा है एक फोर्स एक्ट हो रहा है ये देखना अभी इन पर अभी रेस्ट में अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होते नीचे की तरफ जाते हैं ये ठीक है थीके? तो कब तक रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे मोशन में है तो मोशन में रहेंगे कब तक जब तक कि उन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है ठीक है बेटा न्यूटन फर्स्ट लो क्लियर अब ये अपन बात करते हैं अपन ने वहां पर टर्म पढ़ी बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जिसकी आप बात कर रहे हैं ठीक है तो फोर्स क्या होता है पुश और पुल ऑन अ बॉडी दैट चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी पर अपन क्या कर रहे हैं पुल कर रहे हैं या उसे पुश कर रहे हैं जिससे क्या हो उसकी स्टेट चेंज हो जाए किसकी ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाए उसे अपन क्या कहते हैं बेटा फोर्स कहते हैं ठीक है फोर्स की अपन बात करें कितने टाइप के ये फोर्स हैं तो बेटा फोर्स नॉर्मली मतलब अगर जनरली अपन टर्म में समझे तो इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स ये दो टाइप के फोर्स होते हैं ठीक है हाँ यस आप वैसे डिटेल में पढ़ोगे तो कॉन्टेक्ट फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वीकली फोर्स न्यूक्लियर फोर्स ठीक है एंड कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट में भी आप क्या करने वाले हो कॉन्टेक्ट फोर्स की अपन बात करें तो टेंशन फोर्स आप पढ़ोगे स्प्रिंग फोर्स आप पढ़ोगे नॉर्मल फोर्स आप पढ़ोगे एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की अपन बात करें बेटा तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप उसमें पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रो फोर्स आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फोर्स आप पढ़ोगे ठीक है ये सारे टाइप ऑफ फोर्स हैं बट बेटा अपन यहाँ पर एनएलएम में जो बात करेंगे मोलिक्यूल्स है football के अंदर, के, अंदर की तरफ उस पर क्या कर रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बेटा उससे क्या उसकी स्टेट चेंज हो रही है क्या नहीं इस बॉय ने क्या करा इस फुटबॉल पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बेटा क्या होगा इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी बोल कैसे हो जाएगी मोशन में आ जाएगी ठीक है तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही स्टेट चेंज होती है ठीक है आई थिंक यू गोट इट वॉट इज अनबैलेंस्ड फोर्स ठीक है अपन ने एक टर्म पढ़ी बेटा वॉट इज अनबैलेंस्ड फोर्स अपन ने पढ़ा देन अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं इफ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नो चेंज इन मोशन देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप क्या कर रहे हो बेटा कोई फोर्स लगा रहे हो ठीक है इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये रिमोट है अब रिमोट पर क्या कर रहा हूं मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा हूं ठीक है दोनों हाथों से मैं सेम मान लीजिए फाइव फाइव न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं देन ये क्या है ये बैलेंस्ड फोर्स है अभी देखो इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है ठीक है इफ दे आर नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट अब मान लीजिए मैं क्या करूं ये मेरा जो नीचे वाला जो हाथ है इससे मैं क्या करूं ज्यादा फोर्स लगा दूं और ऊपर वाले से कम लगाऊं तो ये क्या होगा मोशन में आ जाएगा देखो ये जैसे मैं नीचे वाले से ज्यादा लगा देता हूं ठीक है तो ज्यादा लगाने से ये क्या होगा बेटा मोशन में आ जाएगा ठीक है तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है चलो अभी अपन इसको समझते हैं क्या है ये जैसे मान लीजिए ये टेबल है तो टेबल पे एक बुक रखी हुई है अब बुक रखी हुई तो बुक पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ठीक है बुक पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से बुक का जो वेट है उसकी वजह से एंड क्या हो रहा है टेबल इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है कौन सी फोर्स लगा रही है वो नॉर्मल फोर्स लगा रही है ठीक है तो ये नॉर्मल फोर्स और जो नीचे की तरफ वेट ऑफ फोर्स है ये दोनों के दोनों आपस में क्या है इक्वल है अब ये इक्वल होने की वजह से क्या है बेटा ये रेस्ट में बनी हुई है ठीक है चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा इनर्शिया की ठीक है अपन ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा इनर्शिया भी कहते हैं ठीक है इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में टेंडेंसी ऑफ एन एनी बॉडी टू डायरेक्शन देखो जो भी जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो अपने आप को रेस्ट में बनाए रखेगा या मोशन में बनाए रखेगा या किसी डायरेक्शन में बनाए रखेगा इसकी जो टेंडेंसी होती है ठीक है जो इसके पास टेंडेंसी है यानी कि जो उसकी पावर है कि भाई मैं तो रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूंगी ठीक है मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है डायरेक्शन ये डायरेक्शन का मतलब अपन बात करें तो इनर्शिया थ्री टाइप से होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ठीक है इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा सिंपल सी भाषा में अपन बात करें तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के ठीक है इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल होता है देखो अच्छा मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं इनर्शिया किसके मास के यानी कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा ठीक है जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति ठीक है ना ये कोई पर्सन है ये कोई ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है वॉल पर किक कर रहा है अब देखो वॉल का मास कैसा है बेटा ज्यादा है वॉल का मास कैसा है ज्यादा है तो वॉल का मास ज्यादा होने से क्या होगा वॉल का मास ज्यादा होने से क्या होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा इनर्शिया भी ज्यादा होगा और इनर्शिया ज्यादा है तो वो क्या करेगा यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा ठीक है अब जैसे सेकंड स्लाइड से अपन समझ ठीक है सेकंड अपन पिक्चर से अपन समझते हैं अब देखो अब इस ऑब्जेक्ट में और ये बोल में ठीक है इस ऑब्जेक्ट में और इस बोल में किसका मास ज्यादा है बेटा ऑब्जेक्ट इसका पर्सन का ठीक है पर्सन का मास ज्यादा है और इस बोल का मास कम है अब देखो मास कम है तो इसका इनर्शिया कैसा होगा बोल का बोल का मास कम है ना तो बोल का मास कम होने से इनर्शिया कैसा होगा उसका कम होगा तो उसकी पोजिशन चेंज हो जाएगी वो टेंडेंसी नहीं रख पाएगा ठीक है जैसा अपन ने पढ़ा ना पिछला कि दिस इज देंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट रेस्ट मोशन एंड डायरेक्शन डायरेक्शन की अपन बात करें तो जैसे मान लीजिए आप सीधा जा रहे हैं कार से तो आप जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे जैसे मान लीजिए कोई से भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप उसके ऑपोजिट में या फिर उसको चेंज करने के लिए फोर्स डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अगर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे आप ठीक है तब तक आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो इनर्सा क्या है टेंडेंसी अपने आप को बनाए रखने की टेंडेंसी ठीक है और वो किसके प्रोपोर्शनल होती है मास के प्रोपोर्शनल होती है ठीक है आई होप यू क्लियर दैट चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेटा किसकी न्यूटन सेकेंड लॉ ठीक है न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ में आया न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कैसे रहना चाहेगी रेस्ट में ही रहना चाहेगी अगर कोई मोशन में है तो वो कैसे रहना चाहेगी मोशन में ही रहना चाहेगी कब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है ठीक है इनर्शिया अपने आप को उसी पोजिशन में बनाए रखने की टेंडेंसी फोर्स पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट जिससे उसकी स्टेट चेंज हो जाए ठीक है अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है नोट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अनबेलेंड की बात करें बैलेंस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ठीक है बेटा ये चीजें अपन ने पढ़ी अब अपन बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ बेटा ये न्यूटन फर्स्ट लो जो आपने पढ़ा है ना ये इतना सा नहीं है ठीक है इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है जो आपको चैप्टर नंबर फोर्थ में मिलने वाले हैं ठीक है आपके इलेवेंथ क्लास के ठीक है न्यूटन सेकेंड लॉ की अपन बात करते हैं एफ एक्सटर्नल ठीक है एफ एक्सटर्नल है ये ठीक है मत पढ़ लेना इसे एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ ऑफ चेंज मोमेंटम ठीक है मोमेंटम के चेंज होने की रेट को अपन क्या कहते हैं बेटा ये किसके इक्वल बताया न्यूटन्स ने एफ एक्सटर्नल के ठीक है जो भी बाहर से एफ जो भी फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नाइन्थ क्लास में पढ़े थे मोमेंटम भूल गए सर ठीक है तो मोमेंटम क्या होता है बेटा मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है वो किस वेलोसिटी से जा रहा है तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है बेटा मोमेंटम होता है ठीक है और एफ एक्सटर्नल क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट कैसे लिखते हैं अपन फिजिक्स में डीटी अच्छे से पढ़ेंगे बेटा इसको डिटेल में अभी आप थोड़ी बहुत जानकारी के लिए इतना समझिए डीपी अपॉन डी टी पी क्या है यहाँ पर पी क्या है मोमेंटम ठीक है सेकंड में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे अभी आप इतना सा समझ लीजिए कि अपन ने क्या करा इसका डिफरेंशिएशन करा देन डीवी अपॉन डी क्या होता है आपके पास एक्सिलेशन ठीक है जब आप डिफ्रेंशियशन कर लेंगे तो ये चीज बिल्कुल आपको छोटी सी लगेगी बिल्कुल छोटू सी चीज है ये बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं है ठीक है ना तो डिफरेंशिएशन करेंगे अपन उसके बाद में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे बस इतना समझ लीजिए अब ये डीएम अपॉन डी जो टर्म है भाई मास तो ज्यादातर अपन जो फिजिक्स में क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी अपन स्टडी करेंगे तो मास ज्यादातर टाइम ऑलमोस्ट नाइन्टी आई थिंक जितने भी अभी तक मैंने भी क्वेश्चन जितने भी लगाए हैं मैंने भी कर, करवाए बच्चों को देन मैंने देखा कि मास 95 तो कैसा रहता है कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा जीरो देन जीरो हो जाएगा तो अपन के पास में जो ये सेकेंड टर्म है डीएम अपॉन डी वो क्या हो जाएगी जीरो अपने पास क्या बचेगा एफ इज इक्वल टू एम ए ठीक है देखो लिखा हुआ है मास चेंज टाइम द मास चेंज नहीं होता है टाइम के रेस्पेक्ट में ठीक है तो अपन क्या बोल सकते हैं उसको तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो देन इज इक्वल टू एम ए वेर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ए इज द एक्सलेशन ठीक है ना तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसे आया है एफ इज इक्वल टू एम ए डायरेक्ट नहीं है एफ इज इक्वल टू डी पी अपन यहां से आता है ठीक है बेटा देखो अब ये अपन ने क्या करा मान लीजिए अपन जो यहां से ये अपन ने ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो ये मान लीजिए यहां से दस न्यूटन का फोर्स लगा रहा है लेट सपोज न्यूटन का फोर्स लगाया तो अब मास इंटू एक्सिलेशन टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए दस न्यूटन के इक्वल होनी चाहिए तो जिसका मास ज्यादा है है जिसका मास ज्यादा उसका कैसा होगा बेटा जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होना चाहिए उसका एक्सेलरेशन कम होना चाहिए जैसे मास मान लीजिए फाइव के मास फाइव के है, है ना तो उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तभी तो टेन न्यूटन का फोर्स लगेगा ना बेटा जैसे मान लीजिए है बेलून तो बेलून मान लीजिए मान लेना बस ठीक है ना वन केजी ठीक है ना वन के जी मान लीजिए बस बेलून कितने का है वन के जी का तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा टेन न्यूटन करना है अपन को कितना होगा एक्सेलरेशन टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एफ इज इक्वल टू मास इन टू एक्सिलरेशन फोर्स कितना लगा रहे हैं बेटा टेन न्यूटन का ठीक है उसी के रिगार्डिंग अपन कंसेप्ट बना रहे हैं ये जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा बिकॉज मास और एक्सलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ठीक है इन्वर्स होते हैं ना मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम और मास ज्यादा है तो एक्सेलेशन ज्यादा ठीक है ना चलिए सेकेंड अपन बात करते हैं ये कौन है ये चंगू मंगू ठीक है अब ये इनके पापा हैं, अब इनके क्या कर रहे, है? ये force, force कर रहे हैं? दोनों पर, तो तो ये फोर्स, फोर्स सेम अप्लाई ठीक है जो चंगू है वो ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट हुआ अब मंगू ये देखो इस पर भी सेम फोर्स अप्लाई करा बट ये एक्सेलरेशन क्या हुआ बेटा इसका एक्सेलरेशन कैसा हुआ इसका कम हुआ ठीक है देखो इसको फोर्स लगाया मास इसका कैसा है कम होने की वजह से ज्यादा एक्सेलरेट हुआ इसका मास ज्यादा होने की वजह से ठीक है देखो इसका मास कैसा है कम है ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट हुआ और ये इसका मास ठीक है ये इसका मास ज्यादा है तो कम एक्सेलरेट हुआ ये ठीक है बेटा चलो समझ में आया न्यूटन सेकंड लो न्यूटन सेकंड लो क्या होता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है F इक्वल टू एम ए मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम और मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अपन किसकी न्यूटन्स थर्ड लो की ठीक है न्यूटन्स का तीसरा नियम क्या कहता है ये फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हर एक एक्शन के होने के बाद में क्या होता है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है ऐसा कंसेप्ट मत रखना कि गाल पे चाटा मारा तो मैं भी पलट के चाटा मार दूंगा ऐसा नहीं होता है ठीक ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके गाल पर थप्पड़ पड़ा तो ये हाथ पर भी क्या होगा एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ इससे आगे की तरफ फोर्स लगा दिन गाल भी क्या होगा इस पर एक एंटी रिएक्शन करेगा ठीक है ये रिएक्शन लगा तो ये इस पर ऑपोजिट रिएक्शन करेगा ठीक है ना ऐसा नहीं है कि दिया ये ठीक है ऐसा नहीं होता है तो ठीक है अपन कोई भी जैसे मान लीजिए तो 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 उसको पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं तो रोड भी क्या कर रहे हैं अपन को आगे की तरफ पुश कर रहा है जिससे अपन को चलने में हेल्प मिल रही है ठीक है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इक्वल सॉर इक्वल टर्म चलिए बात करते हैं इक्वल टर्म की भी अपन बात करते हैं सर इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब समझ इक्वल का समझ में नहीं आ रहा ऑपोजिट हो गया इक्वल का मतलब क्या है ठीक है अपन अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी ठीक है दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पर ही एक्ट होता है ठीक है न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो किस पर जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है किस पर होती है एक्ट हमेशा टू डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर एक्ट होती है ठीक है देखिए अब ये पर्सन आया ये दौड़ता हुआ कूद गया इधर ठीक है तो इसने क्या करा बोर्ड पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा ठीक है पर क्या करा इसने फोर्स अप्लाई करा तो बोर्ड ने भी क्या करा इसको बाहर की तरफ धकेला ठीक है अब देखो जैसे इसने पुश करा तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा बट बेटा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अभी अपन ने बात करी थी जैसे मान लीजिए आप फायरिंग ठीक है आप नहीं करते फायरिंग ठीक है अभी कोई भी फायरिंग करता है देन फायरिंग करते टाइम क्या होता है अब उससे जो बुलेट निकलती है बुलेट निकली है ना तो वो जो गन है वो भी पीछे की तरफ आती है पीछे की तरफ आती है लेकिन इसका मास कैसा है उस बुलेट के कंपैरिजन में इसका मास कैसा है गन का मास कैसा है ज्यादा है गन का मास ज्यादा है बुलेट का मास कम है तो मास कम होने पर एक्सेलरेशन तेजी से एक्सेलरेशन कैसा होगा तेजी से ठीक है और इसका मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम यानी कि ये पीछे धीरे आना चाहिए ठीक है जिसका मास ज्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन कम होता है देन ये टर्म ठीक है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ठीक है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ठीक है बेटा अब आप जैसे कि प्रमोट होकर आ चुके हो ठीक है आप नाइन्थ से टेंथ क्लास से प्रमोट होकर आ चुके हो अगर आपने पढ़ाई करी है तो बहुत अच्छी बात है एंड अगर बेटा पढ़ाई नहीं करी है तो अब आपको अपने आप को जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आप चल रहे थे अब अपने आप को एक्सेलरेट करने का टाइम आ चुका है ठीक है एक्सेलरेट करना पड़ेगा अपने आप को अब आप एक्सेलरेट करोगे तो आपको जो भी टॉप लेवल पर जो जो भी मंजिलें हैं आपकी वो मिलने वाली है अदरवाइज आप क्या करोगे अपने फ्यूचर को डीपली डाउनवर्ड लेते जाओ ठीक है तो ऐसा ना करें पढ़ाई करते रहिए आप ठीक है एंड थैंक यू वेरी मच